दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके घर पे या अपनी शॉप पर इलेक्ट्रिक बोर्ड आप लोग फिट करना चाहते हो तो किस तरह से आप लोग कनेक्शन करें, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, छोटा मोटा काम हम लोग भी करते हैं और छोटा मोटा काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सॉकेट खराब हो जाता है, स्विच खराब हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होता है इसके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे और वायरिंग है आप लोगों का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड होता है उसका वायरिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे चलता है। जो भाई नहीं जानता है वो वीडियो देख सकते हैं, जो भाई जानता है वो हमारे वीडियो को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोगों का यानी कि चार्ज करने का सॉकेट बोलिए या फैन का लाइन बोलिए या बॉल होल्डर का कनेक्शन बोलिए, इसमें दोनों में यानी कि ग्राउंड और वोल्टेज प्रोवाइड करेगा तो ही हम लोगों का काम करेगा। और वोल्टेज ग्राउंड कहाँ से हम लोग प्रोवाइड करिए चल बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को जो ये स्विच होता है ना, इन स्विचों में हम लोगों को वोल्टेज देना पड़ेगा, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो स्विच में आप लोगों को देखने को मिलेगा दो दो करके पोल, ठीक है। तो नीचे वाला जो पोल होता है इसमें हम लोगों को एक वोल्टेज देना पड़ेगा। ये तीनों स्विचों को हम लोगों को शॉर्ट करना पड़ेगा ताकि अगर स्विच दबाए तो यहाँ वोल्टेज आएगा, जो भी स्विच हम लोग ऑन करेंगे इसमें वोल्टेज आएगा और ये वोल्टेज क्या करेगा, इस सॉकेट पे देगा। तो चलिए तैयारी करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को काम करना है, जितना भी बोर्ड पर स्विच है उस पर एक आप लोगों को एक वायर शॉर्ट करना है, जो वोल्टेज हम लोग दे तो एक जगह में अगर वोल्टेज दे तो सारे के सारे स्विच पर वोल्टेज हम लोग को चल जाए। तो नीचे वाले जो कंपोनेंट है हमने यहाँ पर वोल्टेज के लिए एक वायर डाल दिया है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आप लोगों को बताता हूँ, वोल्टेज तो हमने यहाँ से दे दिया, अब ये जो वाला हम लोग का सॉकेट है इस पर वोल्टेज कहाँ से आएगा, चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्विच पर वोल्टेज डालने के बाद यानी कि कनेक्शन करने के बाद ये जो सॉकेट है, सॉकेट में एक पोल आप लोगों को स्विच से वोल्टेज यहाँ से वायर लगाना है, ताकि जब हम लोग यहाँ का स्विच प्रेस करें इस यहाँ से वोल्टेज यहाँ से पासिंग होके इस पोल पर आए और सॉकेट में वोल्टेज हो जाएगा। तो मैंने कनेक्शन यहाँ से यहाँ कर दिया है, इस स्विच पर यहाँ पे कर दिया है और इस स्विच पर यहाँ भी कर दिया है। अब हम लोग का वोल्टेज वाला काम कंप्लीट। अब हम लोग को ग्राउंड प्रोवाइड करना है, जो चार्जिंग की जो हम लोग का सॉकेट है इसमें ग्राउंड देना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर इसको भी शॉर्ट करना पड़ेगा। तो चलो शॉर्ट कर लेता हूँ, करने के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों हमारा सॉकेट का कनेक्शन रेडी है, देखो ये जो खाली था यहाँ से लेकर इसको दिया, यहाँ से लेकर इसको दिया, यानी कि ये सब हमने वोल्टेज और ग्राउंड के लिए काम कंप्लीट। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। अब हम लोग का काम है इसका वायरिंग हम लोग का कंप्लीट है, अब हम लोग सिर्फ वोल्टेज और ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, इनपुट वोल्टेज, और ये काम करेगा। इनपुट वोल्टेज हम लोग कहाँ दें चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इनपुट वोल्टेज आप लोगों को देना है, जो इलेक्ट्रिक का वोल्टेज होता है, वोल्टेज वाली वायर आप यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, है ना। और ग्राउंड आप लोगों को देना है, आर्थिंग देना है आप लोगों को, यहाँ पर यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है। तो चलो मैं कनेक्शन लगा के आप लोगों को वर्किंग करा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज मैंने एक यहाँ लगाया है और एक यहाँ लगाया है, ताकि वोल्टेज यहाँ से हर स्विच में पहुँच जाएगा, ठीक है। और स्विच पुश करने के बाद इस पर वोल्टेज आएगा, इस पर वोल्टेज आएगा, यहाँ पर आएगा, आने के बाद इस सॉकेट में और इस सॉकेट में, इस सॉकेट में आ जाएगा। अब ग्राउंड जो मैंने दिया, एक ग्राउंड की वायर यहाँ दिया और यहाँ से लेकर यहाँ शॉर्ट किया और यहाँ से लेकर यहाँ शॉर्ट किया, तो ग्राउंड और वोल्टेज स्विच दबाने से हम लोग का काम बन जाएगा। तो चलिए आप लोगों को वर्किंग करके दिखाता हूँ, जो हम लोग का स्विच कंप्लीट बोर्ड रेडी है। अब आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा वायरिंग बोर्ड रेडी, अब आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग ऐसे करके अगर भरेंगे और यहाँ स्विच देंगे तो देखो टेस्टर चलेगा, और स्विच ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, देखो। अगर स्विच से ऑफ नहीं हो रहा है तो फिर आप लोगों को जो इनपुट तार जहाँ से लिया है वहाँ आप लोगों को एक्सचेंज करना पड़ेगा, उलट पलट करना पड़ेगा। अब चलिए आप लोगों को कनेक्शन मैंने कर दिया है, अब लैंप लगा के दिखाता हूँ ये चल रहा है कि नहीं। देखो गाइस, लैंप जो है चल रहा है,
यानी कि सारे के सारे स्विच पर हम लोगों का जल रहा है गाइस। तो फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिक का काम है यहाँ वोल्टेज मौजूद है, तो आप लोग किसी भी वायर को एक साथ टच मत करो, काफी नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों को सावधानी से काम करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक ऑफ करके आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जितना भी मैं प्रोसेस है मैंने आपको पहले बताया, तब जाके आप लोग सेफ्टी से अपने हिसाब से काम करो। वायरिंग का कनेक्शन है, मेन स्विच फेलने के बाद ही आप लोग काम करो, जिसमें कि वोल्टेज ना रहे और इलेक्ट्रिक प्रोवाइड ना करे तब काम करे, वरना आप लोगों का नुकसान हो सकता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाया, इलेक्ट्रिक बोर्ड अपने हाथ से आप लोग कैसे फिट करें, कनेक्शन कैसे फिट करें। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।